गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इससे पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान का विकास कैसे होता है, कब उसकी बैठकें होती है, और भारतीय संविधान सभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत ही विस्तार से। उसके बाद हमने पढ़ा संविधान के स्रोत, और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब, क्यों और कैसे जोड़ा जाता है। सो दोस्तों, वीडियो के खत्म होते होते हम लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें की लास्ट इयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित, यानी प्रस्तावना टॉपिक से जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन सभी को हमने लास्ट में सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित है। तो बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और इसी पर आधारित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1940 को अपना प्रस्ताव पेश किया था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। और यही प्रस्ताव चल करके 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। मौजूदा लेख जो कि हम संविधान की प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, इसी प्रस्ताव पर आधारित है। आपके एग्जाम में दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है प्रस्तावना किस देश में शुरुआत की गई थी प्रस्तावना की, तो वो की गई थी अमेरिकी संविधान में। सबसे पहले प्रस्तावना को जोड़ा गया था, उसके बाद कई देशों ने फिर प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया। संविधान विशेषज्ञ नानी पालकी वाला ने संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से पुकारा है? संविधान का परिचय पत्र। यानी अगर आप एग्जाम पूछा जाता है संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था संविधान की प्रस्तावना को, तो वो कहा था नानी पालकी वाला जी ने। सो फ्रेंड्स, जब हम बात ही कर रहे हैं प्रस्तावना की, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। तो चलिए एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं कि हमारी प्रस्तावना आखिर है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से शुरुआत होती है, इसी के अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही देखना, इसी के अंदर इसकी डेट भी बताई गई है कि कब इसको संविधान में जोड़ा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये आती है कि इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वो कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। क्यों किया गया है?
क्योंकि इस संशोधन के द्वारा तीन वाक्यों को जोड़ा गया था। कौन कौन से वाक्य थे वो? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं अखंडता, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी। इन तीन वाक्यों को जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। दोस्तों आप जानते होंगे कि संविधान की पूंजी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है ना? संविधान की पूंजी कहा जाता है, यानी की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। दोस्तों प्रस्तावना को आपने भी पढ़ा, जैसे कि संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, इसको उद्देश्य का भी पढ़ा कहा जाता है और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संविधान की आत्मा प्रस्तावना को? क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ बहुत ही संक्षेप में मौजूद है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों? इसी वजह से क्या होता है कि जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी जानते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि संविधान की प्रस्तावना की क्या विशेषताएं है, क्यों इसे संविधान में जोड़ा गया, तो आपको बता दूं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का एक प्रस्ताव है जिसमें देश के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए नियमों को रखा गया है, ठीक है? उनका मार्गदर्शन के लिए कि किस तरह से क्या करना है, कौन सा रूल कैसे बनाना है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। इसमें और क्या किया गया है? नागरिकों के आदर्श को समझाया गया है। प्रस्तावना यानी उद्देश्य को संविधान की शुरुआत माना जा सकता है, जो संविधान के आधार पर प्रकाश डालती है। चलिए दोस्तों, साथ साथ जो हमने जाना कि तीन वाक्यों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया संशोधन के द्वारा, कौन कौन से? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं अखंडता। इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इनको क्यों जोड़ा गया और इनका क्या अर्थ होता है। यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द, जैसा कि आपको अभी बताया कि संविधान के 1976 में जो हुआ था, ये अभी हमने बात की, 42वां संविधान संशोधन उसके द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को, राज्यों को क्या मिलेगी? समानता मिलेगी, कि जितने भी हमारे अलग अलग राज्यों में धर्म हैं सभी को समानता मिलेगी, इसीलिए इसका नाम दिया गया धर्मनिरपेक्ष, ठीक है? सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है, यानी सभी धर्मों को क्या? समर्थन और सुरक्षा पाने का अधिकार है, सभी धर्म समान है, इसलिए इस वर्ड को जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित भी किया गया है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। कोई बात नहीं अगर नहीं जानते, क्योंकि आगे हम सभी जितने भी मौलिक अधिकार है सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं एक एक कर। अभी तो शुरुआत हुई है संविधान के बारे में जानने की। चलिए बात करते हैं अगले सेंटेंस की, यानी अगले वर्ड की, समाजवाद। समाजवाद कब और कैसे जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? उसका तो सेम आंसर यही है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया प्रस्तावना में संविधान की। इसका अर्थ क्या होता है? समाजवादी की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, यानी सबको अपना अधिकार होता है, निजी स्वतंत्रता होती है। इसे इसलिए जोड़ा गया है संविधान की प्रस्तावना में क्योंकि क्या होता है कि गरीब, अज्ञानता और बीमारी को लेकर के जो समाज में असमानता होती है उसको दूर करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़े। आगे बात की गई है अखंडता यानी एकता। ये देखता है एकता को बढ़ावा, यानी भाईचारे को बढ़ावा देता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी भाईचारे को बढ़ावा देता है, इसीलिए इन तीनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। दोस्तों जब संविधान की प्रस्तावना को बनाया जा रहा था तब यही निर्णय लिया गया था कि इसमें आगे चलकर कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होंगे। किसने लिया था यह निर्णय?
जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। पहले ऐसा हुआ था, लेकिन 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग बना लिया गया। पहले संविधान का अंग नहीं था, इसको 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग बना लिया गया। इसीलिए अब क्या होता है, विधायिका यानी संसद इसमें संशोधन कर सकती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। और कौन कर सकता है, संसद यानी विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए अब बारी आती है क्वेश्चंस के सेट लगाने की। सो फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हमने इंक्लूड कर लिया है। चलिए अब साथ साथ आप आंसर देते चलिए, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी थी हम जान चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है, यानी कौन से भाग को संविधान की कुंजी कहा गया है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, प्रस्तावना को क्या कहा गया है, संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, यानी जब प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो उसके शुरुआती शब्द क्या है। तो दोस्तों, जैसा हमने अभी प्रस्तावना को पढ़ा है, कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था, तो वो दिया था प्रस्तावना पर सर्वाधिक ध्यान। क्योंकि क्यों दिया था सबसे ज्यादा ध्यान, क्योंकि पूरे संविधान का बेस यानी जितने भी रूल्स है संविधान को फॉलो करने के लिए, वो सभी इसी के अंदर निर्धारित किए गए थे संविधान की प्रस्तावना में। इसीलिए इस पर सर्वाधिक ध्यान देकर बनाया गया था संविधान की प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो वो हुआ 1976 में। जैसा कि हमने बात की, प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1976 में। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो वो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। जैसा कि हमने संविधान की प्रस्तावना अभी पढ़ी, तो उसमें क्या बात की गई थी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, ठीक है ना। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हमने क्या जाना था, जैसा कि आपके लिए अगला क्वेश्चन भी यही है, किसका अर्थ क्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से क्या आप समझते हैं, तो यह है किसी भी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, सभी धर्म बराबर होते हैं, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम में किए गए थे, तो वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन इसी पर बेस है आपके लिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था। प्रस्तावना को लेकर के, भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है इसका कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। गणतंत्र यानी कि जनता अपने आप चुनती है अपना शासक, अपने आप चुनती है यानी अपना मंत्री अपने स्वयं के मत के द्वारा चुनती है, ऐसा नहीं होता कि वंशानुक्रम शासन यहाँ चलता हो, ठीक है। गणतंत्र का अर्थ यही है कि जनता अपने आप चुनती है। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है, लोक कल्याण का। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यह है कि कमजोर वर्गों में कल्याण का प्रबंध करना। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्यों सार्वभौमिकता है, क्यों है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, इसके लिए क्या, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सार्वभौमिकता है भारत के प्रस्तावना में, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है,
किसके पास है? जनता के पास है। क्यों है जनता के पास? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एक गणतंत्र देश है हमारा, सारी की सारी शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। वो चाहे तो किसी को भी क्या बना सकती है? मंत्री बना सकती है, अपना शासक बना सकती है, चाहे तो उसकी कुर्सी गिरा भी सकती है। तो सब अधिकार जनता के पास है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रजातंत्र। ठीक है, यानी प्रजा का तंत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? किस नाम से पुकारा गया है हमारे देश को? इंडिया और भारत के नाम से। कहा है ना कि हम भारत के लोग है ना, तो भारतीय संविधान में किस प्रकार के तंत्र को अपनाया गया है? जैसे हमने अभी बात की, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। संविधान के किसी भी उपबंध में किस अनुच्छेद के अधीन उद्देशिका तथा संविधान की मोटी मोटी रूपरेखा के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो वो किया जाता है 368 के द्वारा। क्लियर है आपको? 368 अनुच्छेद के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, समाजवाद का क्या अर्थ होता है? ये मैंने आपको अभी बताया क्या होता है समाजवाद का अर्थ, सामाजिक न्याय। ठीक है ना, सामाजिक न्याय होता है समाजवाद का अर्थ। प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो लगभग कितने संशोधन अभी तक हो चुके हैं? 11,976 अभी तक लगभग हो चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो कौन से देश का संविधान सबसे बड़ा है? भारत का। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित सबसे बड़ा संविधान भारत देश का होता है। तो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।